शांति, आप भी बोलो ओम शांति, धीरे बोला बहुत जोर से बोलो ओम शांति, क्योंकि ये ओम शांति शब्द ही आपको बहुत काम में आएगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो एक शब्द ओम शांति भी याद रख लो ना, तो आपकी अशांति खत्म हो जाएगी, क्योंकि ओम शांति का अर्थ ही है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जब अपने स्वरूप की स्मृति आ जाती है कि मैं हुई शांत स्वरूप आत्मा, तो स्वरूप की स्मृति आने से वो विशेषताएं अपने में आई जाती। और ये ओम शांति शब्द अर्थ से अगर आपने कहा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इस अर्थ में टिक करके अगर आपने ओम शांति शब्द बोला, स्मृति में लाया, तो अशांति ऐसे खत्म हो जाएंगी जैसे स्विच ऑन करने से अंधकार कितने में भाग जाता है, कोई टोकरे भर के तो नहीं फेंकते, लेकिन सुते ही स्विच ऑन करने से अशांति अंधकार भाग जाता है। ऐसे ही जब आप शांत स्वरूप आत्मा हूं ये स्मृति में लाएंगे, तो ये स्मृति एक स्विच है, और इस स्मृति के स्विच ऑन करने से आपके अशांति का अंधकार जो है वो भाग जाएगा। आजकल के शब्दों में कहते हैं टेंशन बहुत है, टेंशन टेंशन टेंशन, तो हमको अपने प्यारे परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा
बहुत एक छोटी सी बात की विधि बताई है जो आपको हम सुनाने चाहते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा हम परमपिता परमात्मा को कह रहे हैं, ज्योति स्वरूप को। शिव बाबा ने कहा, जब भी आपके पास टेंशन आता है ना, टेंशन का अनुभव तो सभी को है ना, कोई ऐसा है जिसको टेंशन का अनुभव ही नहीं हो, टेंशन फ्री हो, हाथ उठाओ। हाँ, टेंशन फ्री हाथ उठाओ, नहीं है? अच्छा, तो जब भी आपके पास टेंशन आवे ना, तो आप उसके आगे ए शब्द ऐड करना, तो वो क्या हो जाएगा? अटेंशन। और अटेंशन कहाँ जाएगा? एक परमात्मा की तरफ। और जब परमात्मा की तरफ आपका अटेंशन जाएगा, तो परमात्मा से आपको क्या मिलेंगे? उसके पास है ही क्या? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यही चीजें हैं ना उसके पास। तो जिसको हम याद करेंगे, उसके पास जो होगा वही तो हमको देगा ना। तो अटेंशन, वैसे भी देखो एक अंगुली ऐसे ऊंची उठाती है तो परमात्मा की तरफ ही उठाती, वो एक है ना, तो एक अंगुली उठाती है, ऐसे ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं करती, ऐसे करती। तो एक वो परमपिता परमात्मा याद आने से टेंशन आपका, जैसे आग के ऊपर पानी डालते हैं ना तो आग खत्म हो जाती है, ऐसे अटेंशन टेंशन को खत्म करती और आपकी टेंशन फ्री लाइफ। क्योंकि वास्तव में अगर हम देखें तो मनुष्य जीवन की वैल्यू कितनी गई जाती है, हीरे जैसा जन्म। लेकिन आजकल क्या कहते हैं, हीरे जैसा जन्म है मनुष्य का, लेकिन कौड़ी समान जा रहा है भी ऐसे ही। तो ऐसा मानव जीवन जिसको हीरे तुल्य कहा जाता है, उसके जीवन में खुशी नहीं हो, और खुशी नहीं तो बाकी जीवन क्या है? आप सोचो, सेकंड के लिए सोचो, आपके जीवन में खुशी गायब, अशांति आ गई, दुख आ गया, परेशानी आ गई, वो जीवन क्या है? जीवन है? हम तो सभी को कहते हैं कि उस समय जैसे मनुष्य कोमा में है। मनुष्य जीवन होते हुए, इतने अमूल्य होते हुए भी कुछ नहीं समझ सकता। तो यहां हम चारों ओर देख रहे थे, हमको एक चीज बड़ी अच्छी दिखाई दी। वो क्या दिखाई दी? कि आप सबके मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा था। क्या भाग्य आपका चमक रहा है? जो आप एक तो शांति प्रिय हो, शांति प्रिय है इसीलिए शांति के स्थान पर पहुंचे हो। एक तो आपके यहां पहुंचने का भाग्य है, और दूसरा जहां पहुंचे हो ये भगवान का घर है। और भगवान आपका क्या लगता है? भगवान से आपका क्या संबंध है? पिता तो है ना, गॉड फादर तो मानते हैं ना। कान तो हिलाओ थोड़ा, हाँ, मुस्कुराओ थोड़ा। तो भगवान हमारा पिता है,
पिता तो क्या, लेकिन भगवान एक है जिसके लिए कहा गया है माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, बंधु भी है, कंपेनियन भी है, कंपनी भी है। ऐसे भगवान के घर में आप पहुंचे हो तो आपके मस्तक पर क्या चमक रहा है तिलक, ये जो चमक रहा है ना, ये आपके भाग्य का सितारा चमक रहा है। अब परमात्मा ने आपके भाग्य का सितारा तो चमका दिया, यहां पहुंचा दिया, अभी आगे क्या करना है। जैसे कोई आपको मार, फिर आपका काम क्या होता है, आगे चलना और मंजिल पर पहुंचना। चलेंगे तो आप ना, अगर हमारे तरफ से परमात्मा चलेगा तो ला है, जो करेगा वो पाएगा। अगर परमात्मा चलेगा तो वो ही पाएगा, फिर हमको क्या मिलेगा। इसलिए अभी हम सब का काम ये है। शांति बहन ने आपको देखो विधि कितनी सहज सुना दी, छोटी सी गलती सिर्फ हमने की है इसलिए दुख अशांति हुई है। मैं कौन हूं ये भूल गए। जैसे शशि बहन ने सुना है ना, वो थेला बेचारा आगे के पीछे कर दिया, पीछे का आगे, एक छोट मिस्टेक कर दी। तो हम सब ने भी एक छोटी मिस्टेक की है, मैं कौन हूं ये भूल गए। हमको याद है हम बनारस में गए थे, वहां बनारस के पंडित तो बहुत मशहूर है ना, तो उन्होंने की कॉन्फ्रेंस की थी। तो जब कॉन्फ्रेंस में सभी बैठे थे, ऐसे ही गोल रूप में ही सभी हम बैठे थे, तो हम लोगों ने कहा आप एक एक अपना परिचय बताओ। तो एक एक पंडित ने इतना बड़ा परिचय अपना बताया जैसे एक कविता गा रहे हैं, परिचय नहीं दे रहे लेकिन कविता गा रहे। लेकिन हम सभी ने पूछा ये जो परिचय आपने दिया, ये आपका परिचय है या आपके शरीर का परिचय। हमने कहा आपका परिचय बताओ, हमने ये नहीं कहा आप कौन हो। सारा दिन आप मैं मेरा कहते हो, कितने बार कहते हो मैं मेरा, कहते हो ना। और मैं मेरा एक होता है या अलग होता है, अलग होता है ना। जहां मैं कहती हूं मेरा तो मैं उसकी मालिक हूं, ठीक है ना। तो शरीर के लिए हम क्या कहते हैं, मैं सिर में दर्द हूं, ये कहते हैं मेरे सिर में दर्द है, मेरा शरीर आज ठीक नहीं है। तो मैं कौन, शरीर तो हो गया मेरा, और शरीर का ऑक्यूपेशन है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई फलाना है, दादा है, परदादा है, कुछ भी है, ये सब शरीर का परिचय है। लेकिन मैं कौन, व्हाट एम आई की पहेली को ही भूल गए हैं। देखो कॉमन बात है मैं, लेकिन यहां आकर के मैं कौन की पहेली हल करते हैं। कोई भी पहेली हल करते हैं तो प्राइज मिलती है ना। अगर आपने ये पहेली याद रख ली मैं कौन, तो आपको परमात्मा द्वारा बहुत बड़ी प्राइज मिलेंगी जो कभी नहीं मिली है आपको। वो मिलेगी सदा के लिए अविनाशी सुख शांति आनंद प्रेम, और यही तो चाहिए। अच्छा, इतना जो भी ऑक्यूपेशन शरीर का है वो किस लिए करते हैं, सुख शांति मिले, हम भी सुखी रहे, हम भी शांत रहे, हमारा परिवार भी शांत रहे। तो वो अविनाशी सुख शांति आपको प्राइज में मिलेंगी अगर आपने ये पहेली हल कर ली और अनुभव किया कि मैं आत्मा हूं, मैं मालिक हूं। ये मन क्यों परेशान होता है,
क्योंकि मन के मालिक तो बने नहीं है, बिना मालिक के कोई भी मानता है क्या? कहना कोई भी नहीं मानेगा, मालिक का ही जो काम करने वाले है वो मानेंगे ना। तो मन मेरा है लेकिन मैं मालिक बन के मन को चलाता हूं कि मन मालिक बन के मेरे को चला रहा है? उल्टा हो गया है ना, गुलाम हो गया मालिक, मालिक हो गया गुलाम। मन नहीं मानता, कहते क्या करें, मन परेशान है, मन नहीं मानता ना। चाहता तो हूँ अच्छा करूँ लेकिन मन नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मालिकपन नहीं है। तो यहाँ आपको मालिक बनाया जाएगा। ये कर्म इंद्रियां है, कर्मचारी है हमारे। तो कर्मचारी मानेंगे तो मालिक का ना। तो मन आज मानता ही नहीं है। सोचते कितने अच्छे अच्छे हैं प्लेन प्लेन, प्रैक्टिकल और प्लेन में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि मन मानता नहीं, बुद्धि मानती नहीं है, मालिक कमजोर है। तो यहाँ आप आए हो, हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इतने भाई बहन भगवान के घर में पहुंच गए, अपने बाप के घर में पहुंच गए हैं। हम आपको मेहमान नहीं समझ रहे हैं। आप ये नहीं समझना हम मेहमान बन के आए, मेहमान हो आप कि अपने घर में आए हो। ये भगवान का घर है, आपका है पीछे वालों का है तो अपने घर में आए हो, बाप के घर में आए हैं। बाप के घर में आने से कितना नशा होता है। तो परमात्मा बाप के घर में आए हो लेकिन बाप से पूरा जन्म सदद का लेके जाना, ऐसे ही नहीं जाना, थोड़े में खुश नहीं हो जाना। बस आ गए ना बहन जी, आ तो गए, भाग्य तो मिल गया, देख तो लिया, इतने तक नहीं करना। अगर सागर के पास जाकर के, खान के पास, हीरे मोती खान के पास जाके दो मुट्ठी कोई भर के बस खुश हो के आ जावे, उसको क्या कहेंगे? अरे तुम खान पर गए और दो मुट्ठी भर के आ गए? तो भगवान के घर में आए हो, यहाँ आपको वातावरण कोई ड्यूटी है क्या? अभी आपको माताओं को खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, बना हुआ मिलेगा, दफ्तर में जाना नहीं पड़ेगा, जो भी ड्यूटी है आपकी पता नहीं हमको। कोई है बोझ अभी यहाँ? दो तीन दिन जो भी है, फ्री माइंड है ना, फ्री है ना, एक ही काम करना बस, मेडिटेशन, चलते फिरते मैं कौन हूँ ये स्मृति रखना, मैं आत्मा हूँ, बस मैं आत्मा हूं, तो शांति स्वरूप की स्मृति ऑटोमेटिकली आएंगी। जैसे अभी मेडिटेशन किया तो शांति अनुभव की ना, वायुमंडल में शांति अनुभव की ना। तो यहाँ अगर तीन दिन में आप मेडिटेशन, मैं आत्मा हूं परमात्मा की संतान, बस परमात्मा से मन लगा दो। बस गीता में देखो, मन मना भव का दो बारी श्लोक है, मन मना भव, तन मना भव नहीं कहा है, मन मना भव, क्योंकि मुख्य है मन। तो ये अनुभव करके जाएंगे तो हमको भी खुशी होगी कि हमारे जो इतने भाई आए वो अपने परमात्मा पिता से पूरा जन्म सदद का लेके गए। खाली हाथ नहीं जाना, थोड़ा लेके नहीं जाना। जो थोड़ा लेता है ना, उसको हमारा बाबा कहता है ये भगत है, बच्चा नहीं है। बच्चा थोड़े में खुश होता है क्या? पूरी प्रॉपर्टी लेता है। तो आप भी परमात्मा के बच्चे हो, भगत नहीं बनना थोड़ी एक कार मिल गई, एक बंगला मिल गया, खुश हो गए, ऐसा नहीं। भगत नहीं बनना, बच्चा बन करके अपना पूरा हक ले करके जाना। सुख शांति तो हमारे पिता का जन्म सदकार है, हमको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा?
तो हम आपको यही कहेंगे कि आप आए, हमको बड़ी खुशी हुई। खुश रहना, इन 3 दिन में खुशी एक सेकंड भी नहीं गमाना और कोई चिंतन नहीं करना। कोई आवे भी ना व्यर्थ चिंतन, फालतू चिंतन, तो कहना अभी 3 दिन मैं बिजी हूँ। बिजी होते हो तो क्या करते हो? कोई आता है विजिटर, उसको क्या कहते हो? नो टाइम। कई ऑफिसर तो ऐसे करते हैं, होते अंदर है, बिजी होते हैं ना, बाहर बोर्ड लगा देते हैं, आउट। तो आप भी अभी खुशी नहीं गमाना, बस आत्मा हो और परमात्मा का संतान हो, मन परमात्मा में लगाना, यही मेडिटेशन है और कुछ भी नहीं। तो ऐसे अनुभवी बन के जाएंगे, खुश रहना हमारा बाबा का स्लोगन है। खुश रहना है और खुशी बांटनी है, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। तो खुश रहना, याद रखना, गमी को लाने नहीं देना। आवे तो उसको कहना मैं बिजी हूं बहुत, फिर आना। तो खुश रहना और खुशी बांटना। ओम शांति।